Hello friends, welcome back. So we are continuing our series. In the last video we have seen the geographical perspective of Indo-Carnatic and French struggle. In this video we will be continuing from the point we left. In this we will be seeing the political dimension. ठीक है, so start करते हैं. देखिए friends, पिछले videos में एक चीज़ जो बताना रह गई थी वो थी कि उस जैसे अभी हम इंडिया को देख रहे हैं, उस वक्त भारत को ऐसे स्टेट्स में नहीं डिवाइड किया गया था. उस वक्त की पॉलिटिकल सिचुएशन आपके सामने है. देखिए, क्योंकि उस वक्त मुगल्स बहुत ही डिक्लाइनिंग फेज़ में थे, तो उनकी जो अथॉरिटी थी, हम बात कर रहे हैं 1765 की, तो उनकी जो रीच थी वो दिल्ली से अफ़गानिस्तान की ओर थी, जबकि इस तरफ ब्रिटिशर्स ने पलासे और बक्सर के युद्ध के बाद यूपी का अधिकांश हिस्सा, असम और बंगाल का और उड़ीसा का बहुत सारा हिस्सा कवर कर लिया था. उन्होंने अवध को ट्रीटी की थी, इलाहाबाद की ट्रीटी, जिसके अंदर उन्होंने अवध और शाह आलम मुग़ल सुल्तान को उनकी किंगडम नहीं ली थी. उसके बाद एक मेजर एरिया राजपूत के पास था. और इंडिया की कंटेम्प्रेरी पावर, उस वक्त की कंटेम्प्रेरी पावर जो सबसे मजबूत थी वो थी मराठाज की जो सल्तनत थी वो वेस्ट में गुजरात से लेके ईस्ट में उड़ीसा के कोस्ट तक थी. तो इनके पास बहुत अच्छा चांस था भारत के नेक्स्ट रूलर्स की रूप में उभरने का. लेकिन एक तो इनकी मिलिट्री माइट, दूसरा इनके लैक ऑफ डिसिप्लिन इन देयर आर्मी, तीसरा इनकी एक्सपोर्ट पॉलिसीज बहुत वीक थी, फोर्थ ही आपस में बहुत बटे हुए थे, इसलिए वो कैप्चर नहीं कर पाए. ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे करेंगे जब हम एंग्लो मराठा वॉर्स, एंग्लो फ्रेंच वो, एंग्लो मैसूर वॉर्स पढ़ेंगे तो. बट अभी के लिए आप जानिए कि कहाँ पर कौन कौन सी रियासतें इंडिया में थी. उसके बाद एक प्रमुख रियासत थी निज़ाम हैदराबाद की, यहाँ पर आप देख सकते हैं. सो ये एरिया है तेलंगाना का एरिया, ये थोड़ा सूखा एरिया है हैदराबाद का, जहाँ पर कृष्णा, गोदावरी और मूसी जैसी नदियाँ भी हैं. उसके जस्ट नीचे है मैसूर का एरिया. ठीक है, तो ये मैसूर का एरिया हसन, कर्नाटका का अपर पोर्शन जैसे कि बादामी, वो सब एरिया मैसूर के अंडर था. सो ये चीज़ें आपके दिमाग में फिक्स होनी चाहिए. इसके ऊपर यूपीएससी ने अभी क्वेश्चन भी पूछा था कि 1857 के अराउंड भारत की जो पॉलिटी थी वो एक बहुत ही विभाजित पॉलिटी थी. तो अगर आप ऐसे नक्शे अपने दिमाग में रखेंगे तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे उसमें. उसके बाद देखिए, यहाँ पर ये कोरोमंडल कोस्ट था, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था. इसके पास जितनी भी ये एरिया था, ये कार्नेटिक एरिया कहलाता है, ये उस वक्त हाईली अनस्टेबल था. यहाँ पर फ्यूडल लॉर्ड्स और जितने भी अपने राजा थे वो आपस में युद्ध करते रहते थे, जिसका फ़ायदा फ्रांस और ब्रिटेन ने उठाया. उसके बाद एक छोटा सा केरला वाला रीजन है, जिसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये स्पाइस बेल्ट थी, इसको त्रावणकोर बोलते थे. ठीक है, आइए अब हम स्टार्ट करते हैं एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल फॉर गेटिंग द पावर इन इंडिया. बट बिफोर यू डू दैट, आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप इस का स्क्रीनशॉट लें और इसे मानचित्र पर खुद बना कर देखें, बिकॉज जब आप अपने हाथ से बनाएंगे तो यू विल बी बेटर एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स. ओके ओके फ्रेंड्स, नाउ क्विकली कमिंग टू द रीजंस कि क्या कारण थे कि एंग्लो और ब्रिटिश के बीच में युद्ध शुरू हुआ. देखिए, आप जब भी कोई चीज़ पढ़ें पहले अपने दिमाग में खांचा बनाइए, अपने आप से पूछिए कि क्यों उनके बीच में स्ट्रगल स्टार्ट होगी, तो आधी कहानी तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगी. तो देखिए, इसका सबसे पहला रीज़न है क्योंकि दोनों कंपनीज थी. हालांकि जो ब्रिटिशर कंपनी थी वो एक प्राइवेट हाथ में थी और जो फ्रेंच की कंपनी थी उसमें मेजर पोर्शन अराउंड 60% वहाँ के राजा का था, लेकिन दोनों की दोनों एट द एंड ऑफ द डे कंपनी थी और उनका पर्पज़ था कि अपना प्रॉफिट बढ़ा सकें. इसी के साथ साथ दोनों कंपनियों का पॉलिटिकल एस्पिरेशन भी था इंडिया में कि
भारत में अपनी सत्ता स्थापित कर सकें। तो जैसे एक शेर में दो, एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते, सो ऑटोमेटिकली उनके बीच में एक वक्त के बाद पावर स्ट्रगल होना नेसेसरी हो गया था। दूसरा, वहाँ पर उनके घर के जो हालात थे वहाँ पर युद्ध हो रहे थे उनके। पहले हम देखते हैं कि ऑस्ट्रियंस इनहेरिटेंस स्ट्रगल चला, उसके बाद वहाँ पर सेवन ईयर्स वॉर चला 1748 के बाद से। तीसरा जो सबसे प्रमुख रीज़न था कि भारत की कार्नेटिक्स, जैसे मैंने बताया कोरोमंडल कोस्ट के पास जो ये एरिया था, यहाँ की पॉलिटी और राजनीति एकदम विभाजित थी। तो उन्होंने अपना पॉलिटिकल गेन और कमर्शियल गेन स्थापित करने के लिए वहाँ के लोकतल जितने भी नवाब थे उनके बीच में उन्होंने फूट डालनी शुरू की। ओके फ्रेंड्स, अब स्टार्ट होता है फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। तो इसको हम बहुत ही फटाफट करेंगे क्योंकि इससे, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ओके, अभी इन्हें बहुत ही फटाफट हम इन्हें ख़त्म करेंगे क्योंकि इनसे क्वेश्चंस इतने नहीं आते हैं, लेकिन आपको एक आइडिया होना चाहिए कहाँ पर क्या हुआ था। सेकेंडली, मैं यहाँ पर बहुत सारे सिटीज़ का नाम बताऊँगा, तो अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने ज्योग्राफिकल परस्पेक्टिव देखा दिया है इन सब सारे एरिया का, तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो। वो आपके ना सिर्फ इतिहास के लिए अच्छी है, वो आपके भूगोल में भी काम आएगी। ओके, तो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर स्टार्ट होता है 1740 से 1748 के बीच में। ये ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन था, इसका बैकग्राउंड था ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। तो यहाँ पर जो यूरोप में वॉर चल रहा था उसी का एक्सटेंशन इंडिया में देखने को मिलता है। बेसिकली इसमें होता क्या है कि कोरोमंडल कोस्ट के ऊपर जो ब्रिटिशर्स आर्मी थी वो फ्रेंच के कुछ शिप्स को एक्वायर और कैप्चर कर लेती है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच फ्रेंच हैव टू शो द देयर होस्टिलिटी। देर इज़ अ बैटल फॉट नियर मद्रास एट सेंट थोम, एंड दिस बैटल हैव अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। इस युद्ध के बाद पता चलता है कि जो यूरोपियन पावर्स थी उनकी एक डिसिप्लिन आर्मी भी एक बड़ी इंडियन आर्मी को हरा सकती है। बेसिकली इसमें अनवरुद्दीन जो कि हैदराबाद के निज़ाम थे उनकी एक आर्मी थी, माफ कीजिएगा, ये हैदराबाद के नहीं कार्नेटिक के एक निज़ाम थे, ये अपनी आर्मी के साथ ब्रिटिशर्स का के साथ थे। इन्होंने फ्रेंच की एक आर्मी का सामना करने की कोशिश की थी मद्रास में। हाउएवर फ्रेंच वर विक्टोरियस इन दिस बैटल एंड दे वर एबल टू कम्प्लीटली स्वाइप ऑफ सेंट थॉम इन मद्रास। देखिए, इस बैटल की दो चीज़ें आपको याद रखने के, दो मेन पॉइंट याद रखने हैं कि ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के कमांडर्स कौन कौन थे। सो ब्रिटिशर्स की तरफ थे बार्नेट कमांडर थे, और फ्रांस की तरफ से बहुत ही फेमस एडमिरल ला बुरेंडिस थे, इन्होंने इनकी कमान संभाली थी। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर के बाद यूरोपियन पावर्स की जो पोजीशन थी और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस था इंडिया में बढ़ा। तो उन्हें पता चला कि ये अगर वो अपनी डिसिप्लिन्ड आर्मी के साथ और बढ़िया आर्टिलरी के साथ अगर अटैक करें तो वो एक बड़ी इंडियन आर्मी को जो रिलेटिवली पिछड़े हुए वेपन्स का यूज़ करती है उन्हें आसानी से हरा सकती है। उसके बाद हम फटाक से आ जाते हैं सेकेंड कार्नेटिक वॉर से। देखिए फ्रेंड, सेकेंड कार्नेटिक वॉर काफ़ी सिग्निफिकेंट वॉर रहा है और इससे क्वेश्चन आने की पूरी पूरी उम्मीदें रहती हैं। सो इसे जल्दी से समझिए। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल दो रोल हैं, एक तो फ्रेंच होगी और दूसरी ब्रिटिशर्स होगी। सो फ्रेंच की तरफ से जो कमांडर थे वो डुप्लिक्स थे गवर्नर, और उन्होंने इस टाइम पे डिड्यूस किया कि वो अगर वो नेटिव इंडियन प्रिंसेस के स्टेट अफेयर्स में वो दखल अंदाजी करते हैं तो उन्हें काफ़ी पॉलिटिकल गेन हो सकता है। सो
जो ब्रिटिशर्स का इंटरफेरेंस था इंडियन नेटिव्स में, वो एक रिएक्शनरी पॉलिसी थी डुप्लिक्स का आंसर देने के लिए. ओके, नाउ फटाक से आप ये समझिए कि दो एरियाज यहाँ पे कंसिडर्ड हैं, एक तो हैदराबाद है और एक कार्नेटिक है. बुक्स में ये लाइनें बहुत ही एक छोटी से एरिया में वो कवर करने की कोशिश करते हैं, जिसमें बच्चा अक्सर कन्फ्यूज जाते हैं. सो मैंने इसको कोशिश की है कि आपको बड़ा करके समझा सकूँ. ओके, नाउ दीज टू ये बैटल बहुत ही इंटरेस्टिंग भी थी. ओके, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल एक हैदराबाद होता है और एक कार्नेटिक्स होता है. तो हैदराबाद में जो डुप्लेक्स जिसको सपोर्ट कर रहा होता है उसका नाम होता है मुजफ्फर जंग, और इसमें कार्नेटिक्स में जिसको वो करते हैं वो चंदा साहेब. सो मैं इसे हमेशा एम सी से याद रखता हूँ, एम सी एफ. ओके, और ब्रिटिशर्स हैदराबाद में वो कर रहे थे, उसका नाम था निसार जंग, और उसके बाद उन्होंने कार्नेटिक्स में जिसका पक्ष लिया था वो था अनवरुद्दीन. ये वही अनवरुद्दीन है जिसकी आर्मी को फ्रेंच ने फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में हरा दिया था. तो अब हम उसके बाद क्योंकि अनवरुद्दीन की इनिशियल ईयर्स में ही डेथ हो जाती है, तो मोहम्मद अली का नाम से ब्रिटिशर्स कार्नेटिक में अपनी मदद करते हैं, मोहम्मद अली की मदद करते हैं. देखिए फ्रेंड्स, अब ये स्टेप बाय स्टेप समझते हैं. सो पहली स्टेप में क्या होता है कि आर्मी, मुजफ्फर जंग की आर्मी और चंदा साहिब की आर्मी फ्रेंच की आर्मी के साथ मिलके कार्नेटिक्स के ब्रिटिश के सपोर्टर अनवरुद्दीन की हत्या कर देती है. ये बैटल होती है अंबूर में, और अंबूर और आर्कुट और वेल्लोर, ये तीनों सिटीज़ मैंने इन डेप्थ में आपको फर्स्ट वीडियो में समझाए थे. सो गो एंड वॉच दैट वीडियो अगर आपको कोई डाउट है. ये पल्लार रिवर के ऊपर है, इसके जस्ट पास ही कांचीपुरम है, यहाँ पे कैलाशनाथ टेम्पल है, और कांचीपुरम सारीज भी बहुत ही फेमस है यहाँ की. ओके, सो ये वो पल्लार रिवर का जोग्राफिकल एरिया है. नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे वो अपने इनिशियल गेन्स को कंसोलिडेट करते हैं, तो जो मुजफ्फर जंग होता है उसको कार्नेटिक का बादशाह या नवाब सूबेदार बना दिया जाता है फ्रेंच आर्मी की तरफ से. अब फ्रेंच काफ़ी खुश होता, क्योंकि ये बहुत खुश होता है, तो ये डुप्लेक्स की मदद कुछ देना चाहता था. तो ये क्या करता है, कृष्णा रिवर के साउथ की जितनी भी मुगल एम्परर की लैंड होती है वो डुप्लेक्स को दे देता है, और फ्रेंच आर्मी हैदराबाद में कमांडर बुसी के नेतृत्व में एक अपनी छोटी पार्टी को वो हैदराबाद में रखते हैं. सो यहाँ पर तीन मेजर डेवलपमेंट हुए, मुजफ्फर जंग को सूबादार बना दिया हैदराबाद का, कृष्णा के साउथ की जितनी भी रिवर थी वो डुप्लेक्स को दे दी गई, और फ्रेंच आर्मी को स्टेशन कर दिया हैदराबाद में. ये देखिए, ये ये इसका ज्योग्राफिकल परस्पेक्टिव है. देखिए, इसको मैंने लास्ट वीडियो में काफ़ी अच्छे से कवर किया है. सो गो एंड वॉच दैट. नाउ आगे की जो बैटल है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट हो जाती है, और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी हो जाती है. एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पर ब्रिटिश के एक जो कर्नल होते हैं रॉबर्ट क्लाइव, वो बहुत ही ज़बरदस्त प्ले गेम खेलते हैं. सो वो क्या कर रहे होते हैं कि देखिए, आर्कुट और तिरुचनोपल्ली में बैटल हो रही होती है. ओके, तो वो ब्रिटिशर्स का एम था कि तिरुचनोपल्ली से जो स्ट्रेंथ है आर्मी की वो कम कर दी जाए, ताकि वहाँ पर वो सस्टेन कर सकें. अब तिरुचनोपल्ली कहाँ पर है, आर्कुट कहाँ पे है, ये मैंने आपको बताया था कि पिछले वीडियो में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और समझ सकते हैं इसको. ओके, सो आर्कुट और तिरुचनोपल्ली में बैटल चल रही होती है. आर्कुट कार्नेटिक की कैपिटल होती है, तो चंदा साहिब जो कार्नेटिक का मेंबर था उसको वो उसकी कैपिटल होती है, और तिरुचनोपल्ली में बैटल चल रही होती है. तो रॉबर्ट क्लाइव क्या करते हैं, वो जब तिरुचनोपल्ली में बैटल चल रही है तो वो आर्कुट पे अटैक कर देते हैं. इससे क्या होता है कि तिरुचनोपल्ली में जो चंदा साहिब था वो ही गेट्स इन टू अ पैनिक एंड ही वॉन्ट्स टू कम बैक टू आर्कुट टू सेव हिज कैपिटल. लेकिन वो वहाँ पर श्रीरंगम नाम के रिवराइन आइसलैंड पे फंस जाता है, और उसकी वहाँ पे डेथ हो जाती है. सो यहाँ पर इस छोटी सी स्ट्रैटेजिक मिस्टेक से
ब्रिटिशर्स की जो वो रिलेटिव पोजीशन होती है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और इसी दौरान दे वर एबल टू सस्टेन तिरुचनोपल्ली, तो तिरुचनोपल्ली को वो कंट्रोल में कर लेते हैं। इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव और ब्रिटिशर्स अपनी डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ दिखाते हैं, और वो आरकुट पे तो उन्होंने पहले अटैक कर दिया, तो अब वो मैसूर और मराठास को भी इसके अंदर इन्वॉल्व कर लेते हैं। सो वो ब्राइब कर देते हैं मराठा उनको एंड मैसूर को, और वो फ्रांस से तिरुचनोपल्ली को छीन लेते हैं। आर यू गेटिंग दैट? ये वही, अगर मैं आपको इसका एक एग्जांपल दूँ तो ये वही पॉलिसी है जो गेम ऑफ थ्रोन्स में जेमी लेनिस्टर फॉलो करता है। सो बेसिकली वो डिनेरियस और टीरियन अटैक कर रहे होते हैं कास्टली रॉक पे, बट वो क्या करता है अपनी मेजर आर्मीज़ को ले जाके हाई गार्डन्स को कैप्चर कर लेता है। सो दिस इज़ द सेम काइंड ऑफ पॉलिसी विच ब्रिटिशर्स फॉलोड, एंड ड्यू टू अ मेजर पोर्शन ड्यू टू चंदासाई फीलिंग इनसिक्योर एज हिज कैपिटल आरकुट वॉज अंडर सीज, सो उसका मनोबल टूटता है, वो चंदासाहेब श्रीरंगम तिरुचनोपल्ली में मारा जाता है, और एज ए रिजल्ट ऑफ विच तिरुचनोपल्ली भी बच जाती है। सो दिस वॉज अ मास्टर स्ट्रोक प्लेड बाई रॉबर्ट। तो अब वी कैन सी कि फिर उसका रिजल्ट क्या होता है। तो डुप्लेक्स को वापस बुला लेते हैं, तो एनसीईआरटी में दे रखा है हैदराबाद का जो सपोर्टेड था मुजफ्फर जंग, वो इसमें हैदराबाद का नवाब बन जाता है, और कार्नेटिक में मोहम्मद अली बन जाता है जो ब्रिटिश सपोर्टर होता है। सो इट्स अ टाई सिचुएशन बिटवीन द टू पावर। नाउ जो थर्ड बैटल ऑफ कार्नेटिक, इट इज़ फॉट ऑन द डेल्टा ऑफ कावेरी एंड पिन्नाई रिवर्स। ओके, नाउ दिस एरिया इज रिलेटिवली सिग्निफिकेंट एज दिस इज़ वन ऑफ आर मेजर राइस बेल्ट ऑफ आर कंट्री। सो गो एंड सी इट, आई ट्राई टू टेल यू इट ऑन द मैप। ओके, इसका बैकग्राउंड होता है सेवन ईयर्स वॉर, और जो 1756 से 1763 में फाइट किया गया था यूरोप में। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि कमांडर कौन थे, क्योंकि बैटल से रिलेटेड एग्जाम क्वेश्चंस कभी भी नहीं पूछे जाते। सो काउंट डी लैली, सो लैली के नाम से याद रख सकते हैं, और बुसी यहाँ पर भी हैं। यहाँ पर ये मद्रास के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैटल करते हैं फ्रेंच के साथ। सो एडमिरल एक और अय्यरकूट, ये ब्रिटिशर्स की तरफ से थे। सो इसमें इनिशियली ब्रिटिशर्स अगेन अग्रेशन करते हैं, तो क्या होता है कि काउंट डी लैली जो फ्रेंच के कमांडर थे, ये फोर्ट डेविड, यहाँ पर है फोर्ट डेविड, ये पौंडीचेरी से थोड़ी नीचे है। तो होता क्या है कि यहाँ पर ये अपनी मॉरिशियस से अपनी नेवल फ्लीट को लेके आते हैं, और यहाँ पर वो फोर्ट डेविड को कैप्चर कर लेते हैं। तो ब्रिटिशर्स एडमिरल डी एक को सेंड करते हैं, और वो पौंडीचेरी को कैप्चर कर लेते हैं और हैवी। उसके बाद थर्ड और कंक्लूसिव बैटल होती है, बैटल ऑफ वेंडीवोश, ये होती है 1760 में, और यहाँ पर लैली और बुसी को अय्यरकूट एकदम रूट कर देते हैं, और इसी के साथ फ्रेंच का इंडिया में पावर ख़त्म हो जाती है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो इफ यू फाइंडिंग इट इंटरेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच। इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी मूविंग टुवर्ड्स एंग्लो मराठा मैसूर एंड सिंध वॉर्स।